हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर चार नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। और जिनके भी बारे में आपको ये जानना है कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनके नाम से आप एक नंबर चुन लीजिए। या तस्वीर पसंद आ रही है उसके हिसाब से देख लीजिए। आप एक से ज़्यादा इंसान के लिए देखना चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा नंबर भी चुन सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये एक तरीके की जनरल रीडिंग है, सभी के साथ नहीं कनेक्ट हो सकती है। जिनके साथ कनेक्ट हो जाए वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। चलिए जानते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं और अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगला विचार उनका मन में आपको लेकर क्या हो सकता है, आपसे उनका जो रिश्ता है वो क्या सोच सकते हैं। तो देखिए आपके बारे में क्या सोचते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं इस समय पर, क्योंकि आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप परेशान हैं इस समय पर काफ़ी कुछ, मतलब ज़्यादा। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी बात के हो जाने का। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और मेहनत पे आप विश्वास करते हैं, सब्र है आप में, लेकिन आप इस समय बहुत तकलीफ में हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, उनको ऐसा लग रहा है आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा, तो आप इंतज़ार कीजिए, वो समय भी आपके लाइफ में आएगा क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। आइए देखें इस रिलेशनशिप के बारे में आगे वो आपके बारे में क्या सोच रख सकते हैं, क्या कैसी सोच होगी उनकी आपको लेकर। तो देखते हैं क्या है रिलेशनशिप की। लवर्स की एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव है ये इंसान है, तो ये इंसान आपकी सपोर्ट करेंगे आने वाले वक्त में। मतलब किसी भी प्रकार की आपको परेशानी है, तकलीफ है, तो ये इंसान ये दिखाएंगे कि ठीक है, समय तो सबका बुरा अच्छा आता रहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। इस टाइप की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं और आपको वो ये बताएंगे कि आप एक क्वीन हैं, और मतलब मेल या फीमेल जो भी हैं आप उस हिसाब से इसको बदल दीजिएगा। मतलब वो दिखाएंगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच को वो लाने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और हो सकता है कि आपको इनके किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो सपोर्ट वो देते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले वक्त में। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, ये इंसान इस रिलेशनशिप में अपना 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं अपने मन में। और क्या करेंगे, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सपोर्ट, आपका सपोर्ट, वो अगर आप किसी प्रकार की सहायता इनसे मांग रहे हैं तो वो बिल्कुल करने को तैयार हैं आने वाले वक्त में। फर्स्ट नंबर की रीडिंग थी, उम्मीद करते हैं आपसे कनेक्ट हुई होगी। आइए अब हम लोग जानते हैं नंबर सेकेंड, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आने वाले वक्त में, आपका उनका जो भी रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर वो क्या विचार उनके मन में आएगा या स्टेप लेंगे, क्या कुछ सोचेंगे इस रिश्ते को लेकर। नंबर सेकंड, आइए जानते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको देखते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव माइंड के इंसान हैं, बहुत अच्छा सोच है आपकी, पेज आपका बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, और हर वक्त आप मतलब एक ऐसे इंसान हैं कि चाहे जैसा भी वक्त हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आप पॉजिटिव रहते हैं, ये चीज़ उनको बहुत पसंद आती है। एक यंग सोच, एक नई सोच, ऐसे व्यक्ति आपको वो देखते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, चाहे खुद के खिलाफ ही जाना पड़ जाए या खुद की नुकसान क्यों ना करना पड़ जाए, आप करेंगे हमेशा सही, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इस समय वो सोच रहे हैं कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, कोई ऐसा डिसीजन आप लेने का सोच रहे हैं जिसमें आपका नुकसान हो सकता है और किसी का फ़ायदा हो सकता है, और आप परेशान हैं इस समय पर कि आप क्या करें क्या ना करें, परिवार वालों की सुने, अपने मन की करें। तो अभी आप किसी बात को लेके परेशान हो सकते हैं, आपके पर्सन आपके बारे में तो यही सोच रहे हैं। नंबर सेकेंड, और क्या सोच रहे हैं, सन की एनर्जी है, आपको देखते हैं कि आप बड़े पॉजिटिव इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो भी करेंगे बहुत सही करेंगे, मतलब आपसे कभी गलती नहीं हो सकती है, और गलत काम आप नहीं करते हैं, गलत सोच आपकी नहीं है, किसी के लिए आप बुरा नहीं सोचते, बहुत पॉजिटिव माइंड के इंसान हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर है आपका। और हाँ, ये भी नहीं है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके पर्सन देख रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़ हैं कि उनको करना क्या है, करना क्या चाहिए, इस तरीके से सोचते रहते हैं हर वक्त, लेकिन आपको देखते हैं कि आप के मन में ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, बहुत सुलझा हुआ इंसान वो देखते हैं खुद की लाइफ के लिए आपको। ठीक है, आइए देखिए रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। इस रिश्ते में वो
अभी समय देंगे, ठीक है। इस रिश्ते में जल्दीबाजी में कोई भी फैसला वो नहीं लेना चाहते हैं, समय देकर ही वो डिसीजन लेना चाहते हैं हर प्रकार का। आने वाले वक्त में फाइव ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए, तो देखिए हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको कुछ ऐसी पुरानी बात इनकी पता चले जिससे आपका दिल टूटे और आपको लगे कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया है, ठीक है। कुछ ऐसा सामने आ सकता है आपके, और बहुत अपने आप से आप इस चीज़ को लेकर परेशान मतलब रहेंगे मन ही मन में कि मतलब इस इंसान ने ऐसा कैसे कर दिया या इसने ऐसा कैसे सोचा था उस वक्त मेरे विषय में, जो भी कुछ था, किसी कुछ लोगों के साथ मिलकर आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, किसी प्रकार की बातें सामने आ सकती हैं। तो आने वाले वक्त में ये इंसान थोड़ा सा आपके लिए वो चीज़ें सामने रखेंगे जो इनके मन में है आपके लिए, ठीक है, जो आपसे छुपी हुई हैं। और इस रिलेशनशिप को वो बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से, जैसे होता है ना कभी कभी कुछ बातें आपस में छुपी रहती हैं और इंसान सोचता है कि जब तक मुझे ये बात उसके सामने नहीं आती, मतलब मैं ये बात उनके सामने ना लेकर मतलब बताऊं, तब तक कैसे रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो झूठ नहीं है कोई भी, मतलब एक चीज़ें हैं जो छुपी हैं, वो चीज़ वो सामने लेकर आएंगे, फिर आपको समझाएंगे भी कि वो चीज़ उन्होंने की थी तो क्यों की थी, और उसके बाद इस रिलेशनशिप को वो बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं। कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं आपसे, क्योंकि उन्हें ये अब एहसास हो चुका है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई, जो कहते हैं ना कि इंसान धोखेबाज नहीं है, जो फेस दिख रहा है वही फेस का इंसान है, इस तरीके से वो देखते हैं, अब विश्वास हुआ आपको आपके ऊपर उनको। चलिए जानते हैं नंबर 3, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। लव रीडिंग भी हो सकती है अगर आपने अपने लव पार्टनर के लिए चुना है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किसके लिए वीडियो देखते हैं। एनर्जी कनेक्ट हो जाए इसके लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखना हर हर महादेव, ठीक है। अगर आप ये काम करते हैं तो एनर्जी आपसे 101% कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, चैनल को अपना प्यार दीजिएगा सब्सक्राइब करके, सनलाइट टीएल बनना जिस पर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं देख रहे हैं। नंबर 3, आइए जाने आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत शांत दिमाग के इंसान हैं, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपको। ऐसे तो आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं और किसी के से आपको कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आप अपने लाइफ में मतलब कोई आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा है, आप कभी किसी को पलट के जवाब भी नहीं देने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। और क्या सोचते हैं आपके बारे में, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वो देखते हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत खुश हैं, आपका करियर आपने बिल्कुल सही चुना है और उसमें आपको बहुत प्रगति मिलेगी, ठीक है। आपको देखते हैं कि आप एक ऐसे नेचर के इंसान हैं, जो कहते हैं ना केयरिंग नेचर है, मदर नेचर है, उस तरीके से देखते हैं कि आपसे बात कर आपसे अपनी तकलीफ़ बताकर उनको बहुत अच्छा महसूस होता है, उसके बाद उनको लगता है उनके लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं है। आप लोगों को हील करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं, बातों से ही सही लेकिन आप करते ज़रूर हैं लोगों की हेल्प, ठीक है। आइए जानते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वो ये भी सोचते हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं बताना चाहते हैं, छुपाते हैं अपने पैसों के बारे में, अपने प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, या कोई तकलीफ भी हो सकती है उसके बारे में, या अपनी खुद की परेशानी के बारे में आप लोगों से डिस्कस नहीं करते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, अपनी बातों को बस अपने तक रखते हैं। और क्या सोचते हैं नंबर 3 आपके पर्सन आपके बारे में, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होंगी, घर परिवार आप चलाते होंगे, या घर के बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं, जो भी हैं काम करते होंगे आप, आपसे आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये चीज़ वो देखते हैं कि आपके ऊपर बहुत बोझ सा अभी वो उनको लग रहा है कि चीज़ें हैं आपके साथ। आइए देखते हैं अगला स्टेप उनका सोच क्या हो सकती है, इस रिलेशनशिप की जजमेंट देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको नहीं पता चलेगा लेकिन पॉजिटिव है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ, अगर ये आपके पार्टनर हैं करियर में, ठीक है, तो ये इंसान आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा है ना कि जो पिछला नुकसान हुआ है उसको सोच के वो थोड़ा सा डरते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वही बात ना, सोचते हैं कि जब आपके साथ बिजनेस अगर इन्होंने किया या फिर किसी प्रकार का इन्वेस्ट किया तो उसमें जो भी इनको दिक्कत हुई तो वो चीज़ वो वापस से दोहराना नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन आपके साथ ये इंसान रिश्ता रखना ज़रूर चाहते हैं। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, इस रिश्ते को वक्त दे के ये फिर कोई डिसीजन लेंगे, ऐसे तो नहीं लेंगे, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं लेना चाहते डिसीजन ये इंसान, ठीक है। नंबर 3, आइए देखते हैं नंबर 4 हमें क्या पता चलता है कि आपने जिसके लिए भी चुना है ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है। आने वाले वक्त में
वो इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रख सकते हैं, क्या कुछ सोच सकते हैं आपके विषय में, आपके बारे में क्या सोचते हैं सेवन ऑफ सोर्स। ठीक है, ये इंसान देखते हैं कि आप बहुत बुद्धि की तेज व्यक्ति हो सकते हैं, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, आपको नहीं पता है कि आपको किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में। आप तो ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं हर एक चीज़ में। आपको वो ये भी देख रहे हैं कि आपके लाइफ में चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, अगर आप उस तरफ देखें तो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको बेवकूफ़ भी देख रहे हैं वो, आपको देख रहे हैं ये इंसान कि एक ही चीज़ में आप बार बार फंसते हैं, मतलब एक जैसी चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट होती है। और स्टार की एनर्जी देख रहे हैं, लेकिन ये उनको पूरा विश्वास है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। आपका जो स्टार्टिंग का समय रहा होगा जीवन का, उनको लगता है कि बहुत स्ट्रगल रहा है। टू ऑफ कप की एनर्जी, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपका सोलमेट है, मतलब आपको आपके सोलमेट मिल चुके हैं, आपको आपके लाइफ पार्टनर मिल चुके हैं, एक ऐसा इंसान मिल चुका है जो हर वक्त आपके साथ है, आपके लिए है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कि सात नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, या जुलाई का या महीना। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये इंसान पॉजिटिव है, जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी। लेकिन अब देखते हैं इस रिलेशनशिप में ये व्यक्ति आगे क्या आपके लिए सोच रख सकते हैं, इस रिश्ते को लेकर वो क्या डिसीजन ले सकते हैं, या लेते हैं या नहीं लेते हैं, जो भी होगा। जस्टिस की एनर्जी है, जो सही है वो करेंगे, जो करना चाहिए। आपको लगता है आपने कुछ गलत किया तो ठीक है, टावर का कार्ड है, कुछ ऐसा भी वो कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में जो आपको पसंद ना आए। थ्री ऑफ कप की एनर्जी है, ये उन लोगों के साथ जा सकते हैं जो आपके खिलाफ रहते हैं। ठीक है, आपका अगर आपके दोस्त हैं या फिर कुछ लोगों से आपने इनको संपर्क रखने को मना किया है, तो ये उन लोगों की तरफ जा सकते हैं आने वाले वक्त में। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और टेन ऑफ कप की एनर्जी है। वो ऐसा इसलिए करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कुछ लोगों को आपने गलत समझ के बैठा है, लेकिन वो इंसान गलत नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की एनर्जी आपसे जरूर कनेक्ट हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।